बच्चों वेलकम टू हर्ष पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो लास्ट लेक्चर जो था वार्म अप, मैंने आपको चैप्टर 11 का टाइम एंड टेम्परेचर्स का करवाया, कवर करने वाले हैं बच्चों एक्सरसाइज जो है ना 11.1 को कवर करेंगे, और 11 पॉइंट में कौन कौन से कॉन्सेप्ट है उन सभी कॉन्सेप्ट को भी हम डिटेल कवर। देखिए सबसे पहले हमें क्या समझना है, यूनिट्स ऑफ टाइम। देखो टाइम्स के जो यूनिट्स होता है ना उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे सेकेंड्स में मेजरमेंट करते हैं, मिनट्स में होता है, सेकेंड्स में होता है, राइट। तो यहाँ पे कुछ चीजें दे रखे हैं जो आपको रिमेंबर करना है। वन ईयर्स में क्या होता है, 12 मंथ्स होता है, ठीक है। और वन ईयर्स में कितने होते हैं, 52 वीक्स होते हैं। और वन ईयर्स में कितने डेज होते हैं, 365 डेज होते हैं, ठीक है। और अगर मैं लीप ईयर्स की बात करूं तो 366 डेज होते हैं, ठीक है। ये देखो आपको रिमेंबर करना होगा बच्चों, इन्हीं के बेस पे आपको एक्सरसाइज में क्वेश्चन देखने को मिलेगा ना। कभी आपको इयर्स दे देगा, कहेगा मंथ में कवर करो, कभी मंथ कहेगा वीक में कवर कन्वर्ट करो, और कभी वीक रहेगा डेज में कन्वर्ट करो, ठीक है। या वन इयर्स में कितने डेज होते हैं, ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा। तो देखो वन मंथ में क्या होता है, 30 डेज होता है। वन वीक में 7 डेज होता है। वन डे में 24 आवर्स होता है, और 1 आवर्स में 60 मिनट्स होते हैं, और 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको याद रखना है, जिससे कि जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ना तो आपको हेल्प मिलेगा, और आप इनके हेल्प से क्वेश्चन को इजी कर सकते हो, ठीक है। अब देखो कह रहा है इंटरचेंजिंग यूनिट्स, यानी यूनिट को कैसे हम चेंज करेंगे, राइट। यहाँ पे कह रहा है कन्वर्टिंग बिगर यूनिट्स टू स्मॉलर यूनिट्स। तो बड़ा यूनिट से जब छोटा यूनिट में जाते हैं बच्चों तो वी नीड टू मल्टीप्लाई, है ना, और जब छोटा यूनिट से बड़े यूनिट में जाते हैं तो वी कैन डिवाइड, है ना। तो ये आपको पता है, छोटे से बड़े में जाते हैं तो हमें डिवाइड करना होता है, बड़े से छोटे में आते हैं तो मल्टीप्लाई करना पड़ता है ना। जैसे देखो आवर्स है, आवर्स को जब हम मिनट में कन्वर्ट करते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई करना पड़ता है 60 से, ठीक है। और मिनट को जब 60 सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो फिर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब आप इसके देखो, अब डेज से अगर हमें क्या करना है, यानी यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर मंथ से डेज में कन्वर्ट करेंगे तो फिर मल्टीप्लाई होगा, राइट। यानी जब भी हायर टू लोअर जाएंगे ना तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये आप याद रखें, ठीक है। चलो तो ये बात आपको क्लियर हुआ, इन सभी को बच्चों अच्छे से आपको याद रखना है। अब चलिए कुछ एग्जाम्पल्स हैं, इन एग्जाम्पल को प्रैक्टिस कराते हैं आपको, जिससे कि आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन इसी वे में आप अच्छे से कर पाओगे। सो पहला क्वेश्चन देखो कह रहे हैं, हाउ मेनी मिनट्स आर देयर इन 3 आवर्स। तो देखो हमें पता है कि 1 आवर्स में 60 मिनट होता है, तो 3 आवर्स में क्या होगा, 3 × 60 हो जाएगा। सो हेयर इज दैट 3 आवर्स, तो 3 × 60 तो 6 × 3 = 18, तो और वो 0 लगा दो तो 180 मिनट्स आ जाएगा। अब बी में देखो कह रहा है कि 2 आवर्स 15 मिनट्स, ठीक है, तो मिनट्स तो ये ऑलरेडी है, इसको चेंज कर दो, तो 6 × 2 जा क्या हो जाएगा 12, यानी 120, और 120 में 15 ऐड कर दो 135 आ जाएगा। देखो यहाँ पे लिखा है 2 आवर्स 15 मिनट्स को हमें क्या करना है, सिर्फ आवर को मिनट में कन्वर्ट करना है, तो कर दिए 60, ठीक है। अब इसे इसको मल्टीप्लाई करोगे 120 आ जाएगा, प्लस 15 है तो दिस प्लस दिस 135 मिनट्स हो जाएगा, और यही आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा अब एग्जाम्पल नंबर 2 में देखिए क्या कह रहे हैं, हाउ मेनी सेकेंड्स आर देयर। अच्छा अब हमें यहाँ पे देखो मिनट्स में दिया हुआ है और हमें कह रहे हैं सेकेंड में कन्वर्ट कीजिए, तो मिनट बड़ा है सेकेंड से, तो हमें क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो 5 मिनट्स है, तो 5 मिनट्स को 5 × 60 हो जाएगा, है ना, तो 5 × 60 सेकेंड्स हो जाएगा, तो 300 सेकेंड्स हो जाएगा। बी में देखिए 1 मिनट 55 सेकेंड्स है, तो 1 मिनट्स को हमें क्या करना होगा, 60 सेकेंड्स, 60 और प्लस 55, तो क्या आ जाएगा, 115 सेकेंड आ जाएगा, ठीक है। अब एग्जाम्पल नंबर 3 में देखिए क्या कह रहे हैं, कन्वर्ट 2 ईयर्स 25 डेज टू डे में कन्वर्ट करना है। तो देखो ये ईयर्स है, तो अभी हमने आपको समझाया था कि 1 ईयर्स में क्या होता है, 365 डेज होता है, कब, जब लीप ईयर्स नहीं होता है, तो हम ये मान के चल रहे कि लीप ईयर्स नहीं है, ठीक है। तो 2 ईयर्स 2 × 60 365 डेज प्लस 25 डेज,
तो इससे इसको मल्टीप्लाई करो तो 730 आ रहे, और 730 में 25 ऐड कर दो तो 755 डेज आ गया। तो 2 ईयर्स 25 डेज मिलाकर के कितना डेज हो रहा है, 755 डेज आ जाएगा। अब एग्जाम्पल नंबर 4 में कह रहे हैं कन्वर्ट 5 मंथ्स 14 डेज टू डे में कन्वर्ट करना है। तो 5 मंथ्स हो गया और 15 डेज, तो हमें पता है कि 1 मंथ में 30 डेज होता है, वैसे तो 28 भी होता है, 29 भी होता है और 31 भी होता है, लेकिन मैं ये मान के चल रहा हूं कि जो है ना 30 डेज को लेके चल रहे हैं, राइट। कैलकुलेशन में ये कंफर्म तो नहीं होगा ना, क्योंकि मंथ्स यहाँ पे ये नहीं है कि जनवरी है या फरवरी है या मार्च है, तो हम ये मान के चल रहे कि 1 मंथ में 30 डेज होता है, ठीक है। तो देखो 5 × 30 आ जाएगा, ठीक है, तो 30 को आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे 150 आ जाएगा, और 14 डेज है तो 150 में 14 डेज एज कर दो तो क्या हो जाएगा 164 डेज हो जाएगा, और ये आपका क्या निकल के आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो ये एग्जाम्पल आपको क्लियर हुआ, अच्छे से समझ में आ गया। ऐसे ही बच्चों आपको क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करने हैं एक्सरसाइज के लिए, ठीक है। तो चलिए आगे देख लेते हैं, स्मॉलर यूनिट टू बिगर यूनिट। अब कह रहे हैं छोटा यूनिट्स को अगर हम बड़े यूनिट में कन्वर्ट करते हैं ना तो हमें डिवाइड करना पड़ता है। जैसे देखो सेकेंड से अगर हम मिनट में कन्वर्ट करते हैं तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा 60 से, और जब मिनट को हमें आवर्स में करना होगा तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो आवर्स को अगर डे में कन्वर्ट करना है तो 24 से डिवाइड करना पड़ेगा, डे को अगर मैं वीक में कन्वर्ट कर रहा हूँ तो 7 से डिवाइड करना पड़ रहा है, डे को अगर मैं मंथ्स में कन्वर्ट कर रहा हूँ तो 30 से डिवाइड करना पड़ेगा, मंथ्स को ईयर में कन्वर्ट कर रहा हूँ तो हमें डिवाइड करना पड़ रहा है। जैसे मल्टीप्लीकेशन में हो रहा था ना बच्चों, बड़ा से छोटा में हम कन्वर्ट कर रहे थे यानी बिगर टू स्मॉलर कर रहे हैं तो हम मल्टीप्लाई करते थे, सिमिलरली यहाँ स्मॉलर से अगर हम बिगर में जा रहे हैं तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा, राइट। चलो एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 5 में क्या आपको कह रहा है, हाउ मेनी आवर्स विल दिस मेक्स 360 मिनट्स एंड 135 मिनट्स। तो देखो हमें कह रहा है हाउ मेनी आवर्स, आवर्स में कन्वर्ट करना है तो मिनट में हमें क्या करना पड़ेगा, 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। देखो 360 में हम 60 से डिवाइड कर रहे हैं तो ये डिवाइड हो रहा है 60, यानी ये जो डिवाइड हो रहा है कितने 6 इसको करोगे तो कितना आ जाएगा, 6 × 6 = 36 आ रहा है, 6 टाइम में आ रहा है यानी 6 आवर्स हो जाएगा, ठीक है। अब 135 को अगर हम डिवाइड कर रहे हैं 60 से, देखो 125 रिमाइंडर आ रहा है तो क्या हो जाएगा 2 आवर्स, और क्या हो जाएगा जो रिमाइंडर आ रहा है तो 2 आवर्स 15 मिनट्स हो जाएगा। तो आपने देखा कि जब हम क्या करते हैं छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जाते हैं ना तो हमें डिवाइड करना पड़ता है, और जब बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में आते हैं ना तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है, क्लियर हुआ। चलो तो अब इनके बेस पे आपको एक्सरसाइज जो है ना 11.1 दिया हुआ है, तो चलिए 11.1 को हम लोग देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कन्वर्ट टू मिनट्स, राइट, हमें क्या करना है मिनट में कन्वर्ट करना है। तो देखो हमें दे रखे है 6 आवर्स, तो हमें पता है कि 1 आवर्स में क्या होता है, 1 आवर्स में 60 मिनट्स होता है, ठीक है। तो 6 आवर में कितना होगा, तो 6 × क्या हो जाएगा 60, तो 6 × 6 = 36 यानी 360, और ये क्या हो जाएगा मिनट हो जाएगा। यहाँ पे बच्चे स्पेस कम है तो मैं नोटबुक पे लिख रखा हूं जिससे कि मैं आपको आसानी से और इजी से सॉल्व करके भी दिखा पाऊंगा और आप अच्छे से समझ भी पाओगे। यहाँ पे देखो तो हमें पता है कि 1 आवर्स में क्या होता है 60 मिनट होता है, ठीक है। अच्छा तो अब क्या करना है हमको, हमें करना है 3 आवर्स, तो 3 आवर्स इक्वल्स टू क्या, 3 × 60, तो ये क्या हो जाएगा 6 × 3 = 180, 6 × 18 = 180 हो जाएगा। अच्छा 6 आवर है ना बच्चों, तो यहाँ पे 6 लिखना पड़ेगा ना मुझे, 6 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी 6 × 6 = 36 आ जाएगा, 36, और हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं मिनट में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा mn, मिनट लिख दो तो 360 जो मिनट, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा अब आप देखो कह रहे हैं कि 3 आवर्स और 4 मिनट्स है, ठीक है, तो वही सेम कंडीशन, बिकॉज 1 आवर्स में क्या होता है 60 मिनट होता है, ठीक है। तो 3 आवर्स, ठीक है, तो 3 आवर्स क्या हो जाएगा 3 × 60, तो 180 आ जाएगा, 36 × 18 = 180 मिनट्स हो जाएगा।
अब देखो 180 मिनट्स और 4 मिनट्स को ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा, 3 आवर्स और 4 मिनट इक्वल्स टू 180 प्लस 4 इक्वल क्या होगा, 184 मिनट आ जाएगा। क्या होगा, 184 मिनट जो है ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो थर्ड में कह रहा है 8 आवर्स, तो वही सेम, बिकॉज 1 आवर इक्वल्स टू क्या होगा, 60 मिनट आ जाएगा। ठीक है, तो 8 आवर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 8 into 60 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 5 40 8 6 48 48 हो जाएगा, तो 48 मिनट आ जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 48 मिनट आ गया। क्लियर, अब देखो यहाँ पे कह रहे हैं 12 आवर्स 25 मिनट्स, तो 12 आवर्स 25 मिनट्स है, तो वही सेम यहाँ पे भी वही कंडीशंस लगाना है, 1 आवर्स में क्या होता है, 60 मिनट्स होता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, 12 into क्या लिखेंगे, 60 और प्लस क्या लिख देंगे, 25। ठीक है, मैंने इसको मिनट नहीं लिखा है, आप डायरेक्ट मैंने किया है, तो ये चीज़ आपको क्लियर आ गया ना समझ में, तो इससे इसको मल्टीप्लाई करो, तो ठीक है 12 6 कितना हो जाएगा, 72 और प्लस क्या होगा, 25 ऐड कीजिए तो क्या हो जाएगा, 745 मिनट आ जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 745 मिनट आपका जो है आंसर आ जाएगा। अच्छा, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में देख लेते हैं, 13 आवर्स और 5 मिनट्स, क्या है 13 आवर और 5 मिनट्स, तो मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, है ना, 13 पहले आवर को मिनट में चेंज कर दो, तो 60 और प्लस क्या हो जाएगा, 5 मिनट्स आ जाएगा, और इन सभी को क्या लिख दो आप, मिनट लिख दो। तो देखो इसे आपको मल्टीप्लाई करना है, तो क्या निकल के आ जाएगा, देखो 13 5 65 36 78, यानी आप 13 से मल्टीप्लाई कर दो तो देखो कितना आता है, 6 से करो अगर आपको नहीं आता है तो 36 18 के 8 हाथ में 1 और 6 78 आ जाएगा। ठीक है, 780 और प्लस क्या हो गया, 5। ठीक है, तो अब आप इसको ऐड करोगे तो क्या 785 और यहाँ क्या हो जाएगा, मिनट आ जाएगा। ठीक है, तो 785 मिनट आ जाएगा आपका आंसर, 13 आवर्स और 5 मिनट्स। आप इनको सॉल्व करेंगे यानी मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 785 मिनट्स आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कह रहे 21 आवर्स और 50 मिनट्स, तो वही सेम प्रोसेस वही लगाओ, 21 आवर को मिनट में चेंज करेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये ऑलरेडी मिनट है तो 50, और यहाँ ब्रैकेट लगा दो और यहाँ पे आप मिनट लिख दो। ठीक है, अब आप इसे मल्टीप्लाई करें तो 6 6 2 12, ठीक है, और प्लस क्या हो जाएगा, 50 कर दो। अब आप इसको ऐड करें तो कितना आ जाएगा, 0 0 6 5 11, ठीक है, 2 1 3, ठीक है, ये जगह 1 3 10 मिनट आ जाएगा। तो ये क्या था आपका ए पार्ट का जो है, ए पार्ट में आपको 6 क्वेश्चन दिए थे, और इन सभी क्वेश्चंस में जो है आपसे पूछा जा रहा था कि आप इन वैल्यू को क्या ना कन्वर्ट टू मिनट्स में करना था। ठीक है ना, तो आवर्स में दे रखा था, मिनट में कन्वर्ट करना था, तो ये ए पार्ट आपको क्लियर समझ में आ गया। अच्छा, अब बी पार्ट में देखो क्या रहा, कन्वर्ट द फॉलोइंग इन टू आवर एंड मिनट्स। अच्छा, अब हमें मिनट्स में दिया हुआ है और हमें कह रहे हैं आवर्स में भी कन्वर्ट करना है और मिनट्स में भी कन्वर्ट करना है, इट मीन्स हमें कह रहे हैं आवर्स एंड मिनट दोनों में कन्वर्ट करना है, मिनट्स में दिया हुआ है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसे क्या करेंगे हम लोग, 7 यहाँ पे देखो 700 मिनट्स है, तो इसे हमें डिवाइड करना पड़ेगा, यहाँ पे भी हम डिवाइड करेंगे, सभी में हम डिवाइड करेंगे, और जो रिमाइंडर आ जाएगा ना वो हमारा मिनट होगा। राइट, तो मैं एक एक करके आपको दिखाऊंगा जैसे कि आप अच्छे से समझ पाओगे, है ना। देखो फर्स्ट आपको दे रखे 700 मिनट्स है और इसे हमें आवर्स और मिनट में कन्वर्ट करना है, तो अभी हमने आपको समझाया है कि जब छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जाते हैं तो डिवाइड करते हैं, तो 60 से हम क्या करेंगे, 700 में डिवाइड करेंगे, तो देखो पहले तो 1 लग जाएगा, ठीक है, तो यहां पे 60 आ जाएगा, 0 1 अब यहां आ जाएगा, फिर यहां पे देखो 1 ही लग जाएगा, ठीक है,
तो ये वन आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, जीरो, ये हो जाएगा फोर और ये हो जाएगा कैंसिल। अब ये देखो इससे छोटा है तो ये क्या बन जाएगा, हमारा मिनट हो जाएगा, ठीक है, ये मिनट हो जाएगा और ये जो है ये हमारा आवर्स हो जाएगा। तो 11 आवर्स 40 मिनट जो है ये हमारा आंसर आ जाएगा। यानी इस क्वेश्चन को अगर मैं सॉल्व करके दिखाऊं तो ये जो आवर्स 11 आवर्स और 40 मिनट आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर बनेगा, समझ आया, क्लियर हुआ, ओके। अब चलिए सेकंड में देखिए, यहां पे भी वही करना है, ठीक है, यहां क्या करना है, फिर 900 मिनट है, इसे हमें आवर्स में चेंज करना है। तो पहले 60 से डिवाइड कर तो 1 लग जाएगा, 0 ये हो जाएगा, 3 ये हो जाएगा, ठीक है। अब आप इसको क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए, किससे कटता है, 300 6 दूनी 12 36 18, ठीक है, 36 18 180, और भी तो लग सकता है ना, 36 18 है, अच्छा 6 6 इसको करोगे, 6 6 36 नहीं लगेगा, 6 5 30, इसको अगर हम 60 को क्या करते, 5 6 20, ठीक है, 5 6 20 दो आ जाएगा, 6 6 6 5 0 0 6 5 30, 5 से कट रहा है बच्चों, है ना, ये 5 से कट रहा है, 300 आ जाता है, तो ये देखो कैंसिल हो गया। तो इसका मतलब ये पूरा कट रहा है तो 15 आ जाएगा। इसका मतलब है 900 मिनट्स को आवर में कन्वर्ट करोगे तो 15 आवर्स हो जाएगा, ठीक है, ये क्या होगा, 15 आवर्स हो जाएगा, यानी 15 घंटा हो गया, ठीक है। अच्छा अब देखो क्वेश्चंस नंबर थर्ड में, 810 मिनट्स क्या है, 810 मिनट्स है और इसे हमें आवर्स और मिनट में कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे, 60 से हमें डिवाइड करना है 810 में, तो पहले तो 1 से लग जाएगा, 60 लगा दो 1 और ये हो जाएगा 6 2 8, ठीक है, और ये 0 आ जाएगा, ठीक है। अब आप इसमें 3 से लगाओ 180, 36 18 180 आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें हो जाएगा 0, इसमें से कैरी लो तो 11 11 में से हट जाएगा तो 8 3 11, ठीक है, ये हो जाएगा 30। तो क्या आ गया, 1 आवर्स यानी 13 आवर्स और क्या होगा, 30 मिनट्स आ जाएगा। तो यहां पे आप लिखिए 13 आवर्स और 30 मिनट, ये क्या होगा, आपका आंसर आएगा। यानी 810 मिनट्स को अगर आप आवर्स और मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो आप ऐसे लिखेंगे इनका आंसर, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चंस नंबर अगर 4 की मैं बात करूं तो देखो 4 में कह रहे हैं बच्चों 2000 मिनट्स है, ठीक है, तो इसे हमें डिवाइड करना है 60 से, ठीक है। तो अगर इसको आप डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, इसमें 3 से लग जाएगा, 36 18 180, ठीक है, 0 ये हो जाएगा 10 10 में से 8 जाएगा तो 2, ठीक है, फिर 0 आ जाएगा, अच्छा फिर 3 आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 180, ठीक है, ये फिर क्या हो जाएगा 20 आ गया, यानी 33 आवर्स और 20 मिनट्स हो रहा है। तो 33 आवर्स 20 मिनट, दैट इज द आंसर ऑफ दिस पार्ट। तो आई होप ये 1 से लेकर के जो 4 पार्ट्स थे आपको अच्छे से समझ में आ गया, क्लियर आ गया, ठीक है। अच्छा अब देखो इसका फिफ्थ पार्ट में कह रहा है 1600 मिनट्स, यानी 1600 मिनट्स है, तो इसको भी हम कन्वर्ट कर लेते हैं, 60 से डिवाइड कर दीजिए, 1600 है, तो इसे क्या करोगे, डिवाइड करो, तो कितने बार में लग जाएगा, 2 टाइम्स लग जाएगा, 6 2 12 120 है ना, 0 4 कैंसल्स, ये हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया 400। अच्छा अब आप इसको अच्छे से करो, 6 6 36 आ जाएगा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 0 ये हो जाएगा 4 कैंसल्स, तो क्या हो गया 26 आवर्स और 40 मिनट्स हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 40 मिनट आ गया, क्लियर आया समझ में, अच्छे से आया क्लियर, ठीक है। अब देखो इसमें कह रहा है कि 2300 मिनट्स, ठीक है, तो हमें क्या करना है, 60 से डिवाइड करना है 2300 को, ठीक है, तो इसको डिवाइड करोगे तो क्या होगा, 36 18 180, 0 इसमें से कैरी लोगे 13 तो 8 5 13 5 आ जाएगा,
ठीक है, कैंसिल्स जीरो। अब इसको डिवाइड करो कितना आ जाएगा, 8 से 8 6 48, ठीक है, 0 2 और ये कैंसिल्स 20 आ गया, यानी क्या निकल के आ गया हमारा, ये हो जाएगा 38 hours 20 minutes, 38 hours 20 minutes। तो आपने देखा कैसे मिनट को हमें आवर्स में चेंज करना है, और जो रिमाइंडर बच जाता है ना वो उसको कैसे लिखना है, ये चीजें आपको अच्छे से क्लियर आ गया, क्लियर। चलो अब सी पार्ट में देखो क्या पूछ रहा है आपसे। तो सी पार्ट में क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू सेकेंड्स, ठीक है। देखो हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पे 4 मिनट्स है और हमें कह रहा है कि कन्वर्ट करना है सेकेंड्स में, 6 मिनट्स दिया हुआ है, सेकेंड में कन्वर्ट कर रहा है। तो मिनट बड़ा है और सेकेंड छोटा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो चलिए मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं और आपको करके भी दिखाते हैं, जिससे कि आप आसानी से और अच्छे से क्वेश्चन को कर पाएंगे, ठीक है। देखो हमें क्या दिया हुआ है, सबसे पहले 4 मिनट्स है, ठीक है, तो हमें पता है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, बिकॉज 1 मिनट, 1 मिनट में क्या होता है 60 सेकेंड्स होता है, 1 मिनट में क्या होता है 60 सेकेंड्स होता है, तो इसीलिए 4 मिनट को अगर मैं सेकेंड में कन्वर्ट करूंगा तो 60 से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 6 24 24 हो जाएगा, यानी इतने सेकेंड्स हो जाएंगे, 240 सेकेंड्स आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। अब आप यहां पे देखिए, यहां पे भी वही लिखना है, बिकॉज 1 मिनट, 1 मिनट में क्या होता है 60 सेकेंड्स होता है, तो 6 मिनट में क्या होगा, तो 6 को आपको 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना, तो इतना आ जाएगा, तो आप ये लिख सकते हो 360 सेकेंड्स। अच्छा अब आप देखो यहाँ पे कह रहे 3 मिनट्स और 25 सेकेंड्स, तो हमें पता है, तो 3 मिनट को सेकेंड में चेंज करेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे और सेकेंड ऑलरेडी है हमारे पास, ठीक है, तो अब क्या करेंगे यहाँ पे टोटल में सेकेंड लिखेंगे क्योंकि सब सेकेंड में हो जाएगा, तो 36 18 180 और ये हो जाएगा 25, ठीक है। तो देखो 80 20 100 205 हो जाएगा, 205 सेकेंड हो जाएगा, 205 सेकेंड हो जाएगा। अच्छा अब फोर्थ में देखो, 6 मिनट और 45 सेकेंड है, ठीक है, तो यहां लिखेंगे 6 मिनट को चेंज करेंगे सेकेंड में तो 60 और प्लस क्या होगा 45 सेकेंड हो जाएगा, और सभी को हम सेकेंड में कन्वर्ट कर दिए। अब देखो 6 6 36 360 प्लस 45, ठीक है, तो देखो 60 और 40 100 हो जाएगा, यानी 405 हो जाएगा, क्या होगा 405 और ये क्या हो जाएगा सेकेंड आ जाएगा, क्लियर। अच्छा अब क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या रहा है, 20 मिनट्स और 10 सेकेंड्स, तो 20 मिनट्स, 20 को मिनट को सेकेंड में चेंज कर दो और प्लस 10 कर दो और ये क्या बन जाएगा आपका सेकेंड्स, तो 6 दूनी 12 प्लस 10, तो ये क्या हो जाएगा 1210 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1210 सेकेंड, ठीक है। अच्छा अब देखो यहाँ पे कह रहे 6 में 32 मिनट्स और 20 सेकेंड्स, 32 मिनट को सेकेंड में चेंज कर दो प्लस 20 कर दो और ब्रैकेट और यहाँ पे लिख दो सेकेंड्स, ठीक है, तो 6 दूनी 12 36 18, ठीक है, और ये हो जाएगा 0 प्लस 20, तो क्या हो जाएगा 1940 सेकेंड हो जाएगा, ठीक है, तो ये क्या आ गया 1940 सेकेंड आ गया। तो आई होप आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गया कि कैसे हम जो मिनट को है सेकेंड में कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना, और मिनट को सेकेंड्स में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस था, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन थे जो आपको अच्छे से समझ में आ गया। अच्छा अब डी में देखो कह रहा है कन्वर्ट टू डेज। अच्छा अब हमें डेज में कन्वर्ट करना है, 1 year 4 month में कितने डेज होंगे, 3 years 200 days डेज में कन्वर्ट करना है, 5 months 28 days डेज में कन्वर्ट करना है। तो देखो हमें कह रहा है डेज, इयर्स दे रखे हैं और डेज में कन्वर्ट करना है, तो इजीली आप कर सकते हैं, एक एक क्वेश्चंस के अलग अलग पार्ट्स हैं ना,
तो हम उनको आपको एक एक करके समझाते हैं जिससे कि आप आसानी से समझ पाओगे। तो देखो बच्चों, सबसे पहले हमें पता है, ठीक है, कि वन ईयर्स में क्या होता है, 365 डेज होता है। ये मैं मान के चल रहा हूं कि ये लीप ईयर्स नहीं है। अगर लीप ईयर्स होता तो क्वेश्चन में मेंशंस होता कि आप लीप ईयर्स को इंक्लूड करो, बट ऐसा नहीं कह रहा है, तो हम ये मान के चलेंगे बच्चों कि जो है लीप ईयर्स नहीं है, ठीक है। और हमें ये पता है कि वन मंथ में क्या होता है, 30 डेज होता है। ये मैंने आपको पहले ही समझाया कि आप इसे अच्छे से याद कर ले, ठीक है, और यही बातें सब क्वेश्चंस में लागू होगा, ठीक है। तो देखो, ईयर्स को हम क्या करेंगे, डेज में कन्वर्ट करेंगे, तो क्या होगा, सबसे पहले वन ईयर्स में 365 डेज आ जाएगा, ठीक है। फोर मंथ, तो 4 × 30 आ जाएगा, ठीक है। अब हम यहां पे क्या लिख देंगे, डेज लिख दिए, ठीक है। बस अब क्या करना है, आपको कैलकुलेशन कर दो, तो 365 और 4 × 3 = 12, 120, ठीक है। अब आप इसको ऐड कर दो, 5 हो जाएगा, 6 × 2 = 8 हो जाएगा, 3 × 1 = 4, 485 डेज आ जाएगा, ठीक है। क्या होगा, 485 डेज होगा आपका आंसर, यानी वन ईयर्स और फोर मंथ में कितने डेज होते हैं, 485 डेज होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन में कह रहा है सेकंड में, 3 ईयर्स 200 डेज, ठीक है। तो देखो यहां पे हम लिखेंगे 3, और वन ईयर्स में पता है 365 डेज होता है, और प्लस 200 डेज लिख दो, ठीक है। तो अब क्या करना होगा, हमें 3 से पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखो, 5 × 3 = 15, ठीक है, 36 × 18 = 1 19, और 3 × 3 = 9 = 10, ठीक है, और प्लस क्या हो जाएगा, 200। अब आप इसको ऐड कर दें, तो ये हो जाएगा 5, 9, 2 और 1, और ये हो जाएगा आपका डेज। तो क्या हो जाएगा, 1295 डेज है ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या कह रहा है, 5 months 28 डेज। तो अभी मैंने आपको समझाया कि वन मंथ में क्या होता है, 30 डेज होता है, तो 5 × 30 और प्लस 28 और ब्रैकेट में क्या कर देंगे, हम लोग डेज लिख देंगे, ठीक है। तो देखो, 6 × 5 = 30, 300 हो जाएगा, प्लस 28, ठीक है, तो 328 डेज हो जाएगा। क्या होगा, 328 डेज हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसमें देखो, 5 × 5 = 15, एक मिनट, क्या किया मैंने, कुछ मिस्टेक तो नहीं किया ना, 5 × 3 = 15 हो जाएगा। अच्छा, मैंने यहाँ पे 30 कैसे कर दिया, 36 × 18 नहीं, गलत है ना, 5 है, तो 5 × 3 = 15 होगा, ठीक है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, 5 × 3 = 15 आ जाएगा, ठीक है, 5 × 3 = 15 आ गया, क्लियर। और 28 है, तो आप इनको ऐसे कह दीजिए, 5 × 3 = 15 = 150 हो रहा है ना, और 28 को ऐड करेंगे तो 8, ये 178 आ जाएगा, ये गलत है बच्चों, क्या होगा, 178 डेज आ जाएगा, ठीक है, 178 डेज आ जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा कैलकुलेशन को भी आपको ध्यान में रखना है ना, कैमरा में होता है बच्चों, कभी कभी मिस्टेक भी हो जाता है, तो इन बात को आपको भी समझना पड़ेगा, है ना, कैलकुलेशंस आपके करेक्ट होनी चाहिए। देखो, 5 × 3 = 15, 150 आ जाएगा, प्लस 28 करोगे तो क्या आ जाएगा, 178 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे कह रहे हैं 12 weeks और 4 days, तो मैंने आपको समझाया था कि 1 week में क्या होता है, 1 week में 7 days होता है, क्या होता है, 1 week में 7 days होता है, और यहाँ पे कह रहे हैं 12 weeks, ठीक है, तो क्या करेंगे, 12 × 7 + 4, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा आपका डेज। तो देखो, 68 × 84 = 84 हो जाएगा, प्लस 4 तो कितना आ जाएगा, 88 डेज हो जाएगा, ठीक है, 88 डेज हो जाएगा आपका, क्लियर। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या रहा है, 5 years 5 months 26 days, वाओ कितना अच्छा क्वेश्चन है, चलो थोड़ा सा कैलकुलेशन वाले हैं, तो हमें पता है वही प्रोसेस तो वही है बच्चों, 5 × डेज का हमें पता है 305 हो जाएगा वन ईयर्स में, प्लस 5
और 30, ठीक है, और प्लस 26, ये हो जाएगा आपका डेज में। अब देखो तो इसको मल्टीप्लाई करो 5 से तो कितना आ जाएगा, ठीक है, 5 25 के 5 आ गए, ठीक है, 6 5 30 31 और 32 हो जाएगा, ठीक है, 5 3 15 16 17 18, ठीक है। अब देखो 5 3 15 150 प्लस 26, ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा आपका डेज आ जाएगा, ठीक है। अब आप इसको ऐड कीजिए, ऐड कीजिए तो क्या होगा 2001 डेज आ जाएगा, ठीक है, तो क्या आ गया आपका 2001 डेज आ गया। तो क्लियर आ गया 1 to 5 क्वेश्चंस, ठीक है। तो अब डी पार्ट में देखो बच्चों, डी पार्ट में जो है क्वेश्चंस आपको टोटल जो है ना 5 क्वेश्चन ही दिया जा रहा था। तो आई होप आपको ये जो एक्सरसाइज 11.1 है इनके ए पार्ट बी पार्ट और सी पार्ट अच्छे से आपको क्लियर हो गया, और इनके बेस पे जो एग्जांपल्स थे जो कॉन्सेप्ट्स थे वो भी आपको अच्छे से क्लियर समझ में आ गया, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर्स एंड बाय बाय।